अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ी कलरफुल सी रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम बनाएंगे जेली। इन जेली को आप मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस में भी इस्तेमाल करते हैं, फालूदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कस्टर्ड जेली बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कलरफुल होती है, बच्चों को बहुत पसंद होती है। चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ। बाज़ार में आपको बआसानी दो कलर तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ये तैयार जेलेटिन है, बस इसमें पानी डालें, 3 कप पानी डालें और बना दें। लेकिन मुझे क्योंकि मुख्तलिफ कलर बनाने हैं तो उसके लिए मैंने 5 मुख्तलिफ बर्तनों में 200-200 ग्राम मैंने चीनी ली है। इसके अंदर ये मैं जेलेटिन डालूंगा, ये प्योर जेलेटिन है। 200 ग्राम चीनी में मैं 1 चाय का चम्मच प्योर जेलेटिन का ऐड करूँगा। चारों में मैं इतनी इतनी मिकदार ले लूँगा। ये जेली बाज़ार की जेली है जो आपको बासानी मिल जाएगी। ये थोड़ी सी पिसी हुई चीनी है, इसके अंदर जेलेटिन भी मिला हुआ है और कलर भी मिला हुआ है। 3 कप मैं पानी लूँगा, चूल्हा मैं जला देता हूँ। सबसे पहले इसको पानी का उबाल आने देंगे। व्यूअर्स, ये बाज़ार के पैकेट की जेली है। ये मैं सबसे पहले मैं ये बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब आप हल्के हल्के इसको चलाते रहें। हमारी जेली पक चुकी है, इसको हमने अच्छी तरह से हल कर दिया है और ये अपना जमने के लिए तैयार है। इसको मैं एक बर्तन में पलट दूंगा। अब हम इसको एक बर्तन में पलट के जमने के लिए रख देंगे। जब तक ये जमती है हम इसको एक तरफ रख देते हैं। 200 ग्राम चीनी और जेलेटिन मैंने ली थी, मैं एक बर्तन में ले लूँगा, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगा। ये मैं अपने 5 कलर जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बना के दिखाऊँगा। ये जेलेटिन इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करनी है। हमारा पानी तैयार हो चुका है, इसके अंदर मैं ये जेलेटिन डाल देता हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरह से चला लूँगा। अब मैं इसमें शामिल करूंगा अपना एक कलर। ये मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है, आप अपनी मर्जी के कोई भी कलर ले सकते हैं। ये हमारा ब्राउन कलर तैयार हो गया। अब इसको एक बर्तन में पलट देंगे। अब इसके बाद बनाएंगे हम येलो कलर। फिर अपनी चीनी और जेलेटिन को मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं। मैं इसमें कलर बाद में ऐड करूंगा, पहले मैं चीनी हल होने दूंगा ताकि चीनी हल होती हुई नज़र आ जाए। जब ये चीनी हल हो जाएगी, पानी भी पकने लगेगा, फिर मैं इसके बाद इसमें कलर ऐड करूंगा। ये मैंने लिया है येलो कलर। इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। ये येलो कलर की जेली तैयार हो गई है। इसको मैं पलट के इसको जमने के लिए छोड़ देता हूँ। बाकी कलर भी हम बिल्कुल इसी मेथड से बना देंगे। हमारी 6 कलर की जेली बनके रेडी हो चुकी है। ये अभी जमना शुरू हो गई है और बहुत सी गर्म है। इसको हम जमने तक छोड़ देते हैं। व्यूअर्स, हमारी जेलियाँ जम चुकी हैं। अभी इनको हम कटिंग कर लेते हैं, तो किनारे से अलग कर लेंगे पहले छुरी से। कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, कितनी शानदार जेली बनी है। व्यूअर्स देखें कितनी बेहतरीन जेली बनी है। कलर देखें इसका। हमारी 6 कलर की जेली बनके रेडी हो चुकी है। आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुख्तलिफ शरबतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फालूदे की तो ये जान है, कस्टर्ड में, आइसक्रीम के साथ, कुल्फ़ी के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों से ये जेली आप खा सकते हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।
मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक, अब तक ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।